नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए चलो शुरू करते हैं आज का विषय। तो आज का विषय हम लेकर आए हैं एक पशुपालक भाइयों के लिए कि अगर उनकी गाय ताजी ब्याती है तो ब्याने के बाद उनको क्या करना है। वीडियो में इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि आज ही सुबह हमारी गाय ने बच्चे को जन्म दिया है और ये वीडियो हमने अंधेरे में ही शूट की है कि ब्याने के तुरंत बाद हमें क्या करना है जिससे कि गाय का को एनर्जी मिले और उसका जो अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा इम्प्रूव हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखो, जैसे अभी हमारी गाय ब्याई है, हमने इसको गाय के आगे रखा था, गाय ने पूरा बच्चे को अच्छी तरह से चाट लिया है। चाटने के बाद इसको हमने दूध पिलाकर एक तरफ बैठा दिया है। उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें जो है गाय को पहले तो सबसे अच्छे से इसको डेटॉल और हल्दी गर्म पानी में डालकर इसको चारों तरफ से साफ़ करना है, इसका पीछा साफ करना है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब तक गाय ने अगर जेर नहीं डाली है तो उसका पूरा दूध हमें नहीं निकालना है, और पहले दिन हमें केवल 50% ही दूध निकालना है और बच्चे को अधिकतर उसे उसमें से बच्चे को पिला देना है। और उसके बाद में जब हम ये सारी क्रियाएं कर देंगे, उसका पीछा अच्छे से साफ़ कर देंगे, थनों को अच्छे से धो देंगे गर्म पानी से, और उसमें आपको सबसे पहले आपको हल्दी और थोड़ा सा डिटॉल अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसमें हल्दी डालें और उसको अच्छे से साफ़ करें। उसके बाद आपको करना क्या, क्योंकि क्या है कि जब डिलीवरी होती है तो हमारे पशु को, गाय हो चाहे भैंस हो, उनको क्या है कि प्यास जो है वह ज़्यादा लगती है। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको तुरंत ब्याई हुई गाय हो या भैंस हो या कोई भी पशु हो तो उनको ठंडा पानी, ताज़ा पानी नहीं देना है। आप 2 दिन तक आपको केवल गर्म पानी ही उसको पिलाना है जिससे कि उसके अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम बना रहे, एनर्जी मिले। और आपको एक ध्यान रखना है कि आपको गर्म पानी में हल्दी डालनी है। हल्दी आप उसमें 10% डाल सकते हैं, जैसे कि आपने 10 किलो पानी लिया है तो उसमें आप 100 ग्राम आप हल्दी डालिए, उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए। 10% में थोड़ा ज़्यादा बोल गया, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा हल्दी इसमें डालना है और उसके बाद में गाय को आपको पिला देना है। देखिए, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गाय इस पानी को आराम से इजीली पी लेगी, तो दोस्तों अगर गाय आपकी ताजी ब्याई है तो इस प्रयोग को आप अवश्य करें जिससे कि आपकी जो पशु है उसको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी और उसका जो अंदर का जो सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस समय आपकी गाय ब्याती है तो उसको चारे में केवल आपने सूखा चारा देना है। उस समय आपको 4 घंटे तक आपको उसमें कुछ भी मिलाकर नहीं देना है, सिवाय आपको गुड़ आप उसको दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं और थोड़ा आप छिलका दे सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्द ही आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।